नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले बेल आइकन पर क्लिक करके। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 36 लोड थ्री फेज 3 HP का जो मोटर होता है, जो मोनोब्लॉक मोटर आता था पहले ज़्यादातर, तो उसका वाइंडिंग डायग्राम प्लस में डेटा एंड कनेक्शन सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। दोस्तों, ये जो मोटर होती है इसमें पिच होती है 1 से 6, ठीक है, और ये 36 स्लॉट्स की मोटर होती है। टोटल इसमें 18 कॉइलें डाली जाती हैं, टोटल 6 ग्रुप डाले जाते हैं, 6 सेट डाले जाते हैं, 3-3 कॉइल होगी, टोटल 18 कॉइल होती हैं। और इसका जो स्टैम्पिंग साइज होता है 3.75 इंच का होता है और इसका इनर डायर 5.5 इंच का होता है। 4 kg कॉपर वायर इसके अंदर डाले जाते हैं लगभग। तो इसका आज हम वाइंडिंग डायग्राम बताएंगे, इसका चैन वाइंडिंग डायग्राम इसको बोलते हैं, तो ये हम इसको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 36 स्लॉट्स का एक डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है और एक सेट में 3 कॉइलें होती हैं। तो पहला सेट हम डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्ट आप मोटर में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आपका मन करें, और इनर तार आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखना है। तो पहला इसका पिच है 1 से 6, तो 1 से 6 पिच बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 पिचेस की बन गई है, ठीक है। तो पहला कॉइल आपने सेट का, पहले सेट का पहला कॉइल आपने डालना है 1 से 6 के अंदर। तो इस तरह से 1 से 6 में कॉइल पहला डाल लेना, जो कि सबसे पहला कॉइल है सेट का। उसके बाद दोस्तों, आगे एक स्लॉट हमको स्कीप करना है, ठीक है, एक स्लॉट हमको छोड़ देना है। 1 से 6 में डाल के इस तरफ आगे दूसरी कॉइल डालेंगे तो इस स्लॉट को छोड़ देना, अगले में डालनी है। तो यहां पे अगले में आपने डाल दी है, तो फिर आप यहां से जहां में डाली है वहां से 1 से 6 बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये है 1 से 6। तो इस 1 से 6 वाली में से इसका आउट कर दीजिए, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, सेट की 2 कॉइलें यहां पे डली हैं, 3 कॉइलें हैं सेट में, तो फिर से एक स्लॉट छोड़ दीजिए और अगली वाली में आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से नोट कीजिए 1 से 6 में, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे आप कॉइल निकालनी आपको ये होगी, ठीक है। और यहां पे आउटर तार यहां पे मैंने निकाल के दिखा दिया, जबकि ये आउटर तार जब मोटर रिवाइंड करते हैं, इनर तार तो बाहर की तरफ रहता है, आउटर इस तरफ अंदर वाला तार बोलते हैं, इधर ही रह जाता है इस साइड, ठीक है, लेकिन मैंने डायग्राम में बाहर निकाल के आपको दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेट मोटर का कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला सेट डालते हैं, तो मैं यहां पे कलर चेंज करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने कलर यहां पे चेंज किया है ताकि मिक्स ना हो। अब देखिए, फिर वही, अब अगला सेट उठा लीजिए अपना, पहला हमने डाल दिया, दूसरे नंबर वाला उठा लीजिए और फिर से एक स्लॉट छोड़िए और यहां से पिच बना लीजिए 1 से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 1 से 6 पिच हमारी बन गई है, तो यहीं से आपको कॉइल डालनी है, इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ पहली कॉइल का, और कॉइल 1 से 6 के अंदर से होती हुई इस तरह से आएगी, और फिर एक स्लॉट आगे छुटेगा, फिर सेट की दूसरी वाली कॉइल जब वो डलेगी, ठीक है, और फिर पिच बना लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस वाले से निकल के यहाँ पे आ जाती है
उसके बाद दोस्तों फिर से एक स्लॉट हमको छोड़ देना है, ध्यान रहे एक ही स्लॉट को आपको छोड़ना है और ये गड़बड़ मत कर देना। फिर से पेच बनाना, 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर से आपको निकाल देना है। और इसके अंदर से निकलने के बाद यहाँ पर जो है आउटर तार यहाँ पे निकल जाएगा जो कि अंदर की तरफ ही रहने वाला है। तो इस तरह से ये डाली जाती हैं। तो अब टोटल हमारे दो ग्रुप इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है, दो ग्रुप इंस्टॉल हो गए हैं दोस्तों। इस प्रकार दो सेट हमारे प्रॉपर डल जाते हैं। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको पिच का ध्यान रखना है, 1 से 6 होनी चाहिए और एक स्लॉट आपको छोड़ना है ये चीज। अब दो स्लॉट डल चुके हैं, सॉरी दो सेट डल चुके हैं स्लॉट्स के अंदर। अब आगे हम फिर से एक और सेट डालेंगे सेम टू सेम, तो एक स्लॉट छोड़ देना है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना है सेम तरीके से। तो ये पीला जो कलर है थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसलिए मैं इसके जगह रिप्लेस कर लेते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं। तो वही पिच बनानी है एक स्लॉट छोड़ के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। पहली क्वाइल 1 से 6 में, फिर एक छोड़ के, फिर यहां पे 6 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ना है, फिर एक स्लॉट छोड़ना है, फिर यहां पे 6 आ जाता है। और यहां पे आउटर तार आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे 3 सेट डालने के बाद फिर एक स्लॉट छोड़ते हैं, फिर यहाँ पे 1 लिखते हैं और 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन जाता है। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ से सबसे पहले 1 से 6 में छोटी क्वाइल, पहली क्वाइल, ठीक है। और चैन वाइंडिंग में सारी क्वाइल में बता दूं कि सेम टू सेम होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ठीक है, चैन वाइंडिंग में। तो पहली क्वाइल यहाँ पे 1 से 6 में, फिर 1 छोड़कर, फिर दूसरी क्वाइल 1 से 6 में फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 छोड़ के, ये वाला छोड़ के फिर से, और ये आउटर तार यहां पे निकल जाता है। तो टोटल 4 सेट इस तरह से इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से अगला सेट हम इंस्टॉल करेंगे, एक छोड़कर यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन जाता है। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, पहली क्वाइल 1 से 6 के अंदर, फिर दूसरी क्वाइल 1 छोड़ के फिर से 1 से 6 में, ठीक है, तो इस वाले स्लॉट से गुजरेगी। उसके बाद 1 स्लॉट छोड़ के फिर से सेम तरीके से, फिर से वही 1 से 6 में, और ये आउटर तार निकल जाता है, ये इनर तार है, ठीक। अब हमारा अंतिम आखिरी सेट रह जाता है। तो दोस्तों हमारा अंतिम सेट रह गया है, इसको डालना है, देखिए उसी तरह से सेम, यहाँ पे हमारा पांचवा सेट जो खत्म हुआ है, उसके बाद 1 स्लॉट छोड़ना है, फिर 1 बनाना है, ऐसे फिर गिनना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाता है सेम तरीके से। पहली क्वाइल 1 से 6 में सेट की, फिर 1 छोड़ देना है ये वाला जिसमें डली हुई है, फिर इस वाले खाली वाले में से निकाल लेना 1 से 6 में, और फिर आगे बढ़ना है, फिर 1 छोड़ देना है, फिर जो खाली वाला बचा है उसके अंदर से निकाल लीजिए। अब आपका लास्ट का एक जो खाली बचा है उसके अंदर से आउटर निकाल लीजिए इसका,
और यहाँ पे आउटर तार जो है, आउटर पॉइंट जो है वो बच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे चैन वाइंडिंग इसकी हो जाती है। तो टोटल 6 सेट डलते हैं और टोटल जो है वो 18 कॉयलें होती हैं, क्योंकि एक सेट में 3 कॉयल हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसका सारा डेटा और जो कनेक्शन है वो मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो अगला पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।